यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज समापन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बहुत ही कड़े तेवर में नजर आए विधानसभा के अंदर। उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ जो अपने सख्त तेवर के लिए ही जाने जाते हैं, जब बात महिला सुरक्षा से जुड़ी होती है तब वो किसी की नहीं सुनते। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किए जाने के मसले पर समाजवादी पार्टी को घेरा, क्योंकि इस मामले में जो आरोपी है मोइन, वो समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। वो समाजवादी पार्टी का नेता है, सांसद के साथ उठता बैठता है, खाता पीता है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि इस मसले में आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। रेप की ये वारदात अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र की है, जहां पर एक 12 साल की नाबालिग का रेप हुआ। अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार बार ब्लैकमेल किया गया और इस मामले का खुलासा तब हुआ जब वो नाबालिग गर्भवती हो गई। इस मामले में अदालत ने अपनी कार्रवाई जारी रखी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आज कड़े तेवरों में समाजवादी पार्टी के नेताओं को और समाजवादी पार्टी को घेरा है। वहीं एक दूसरा मसला भी, वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त तेवर देखने को मिला। ये मसला लखनऊ का है, जब पानी में ताज होटल के सामने वाटर लॉगिंग में कुछ लड़कों ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में अब तक 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई और आज सदन में इस मसले पर बोला कि किस तरह से पूरे के पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया गया है और आगे एक्शन और चलता रहेगा। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमारे पास उन सभी लड़कों की लिस्ट मौजूद है जिन्होंने ये कृत्य किया है, बकायदा उनके नाम पढ़कर भी सुनाए। सुनिए किस तरह से सीएम ने यहां पर भी सख्ती दिखाई है। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है, उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज, ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो, और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर यही सख्त संदेश दिया है कि महिला सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, एक्शन लिया जाएगा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा।